दोस्तों, क्या आपने कभी किसी हाथी के लिए फांसी की सजा सुनी है? अमेरिका के टेनेसी शहर में स्पार्कल्स वर्ल्ड फेमस शो नाम का एक सर्कस चलता था, जिसमें मैरी नाम का एक 5 टन का एशियाई हाथी था। एक दिन किसी कारण की वजह से उसके ट्रेनर ने सर्कस छोड़ दिया और उसकी जगह नया ट्रेन आया। एक दिन सर्कस के प्रमोशन के लिए शहर में परेड निकाली गई। उसी बीच मैरी ने कुछ खाने की चीज देखी और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका ट्रेनर उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्से में उसके कान के पीछे भाले से वार किया, जिससे हाथी ने गुस्से में आकर उसको पटक दिया और उसके ऊपर अपना पैर रख दिया, जिससे ट्रेनर की मृत्यु हो गई। इस घटना की वजह से लोगों के बीच बहुत आक्रोश पैदा हो गया और लोगों ने हाथी को मृत्युदंड देने की मांग की। सर्कस के मालिक चार्ल्स पार्क ने दबाव में आकर हाथी को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने 100 टन का वजन उठाने वाली क्रेन मंगाई और 13 सितंबर 1916 को हजारों लोगों के बीच हाथी को फांसी पर लटका दिया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए।